हुक भी लगा दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं चंदन जजवाड़े। शनिवार की आधी रात से रविवार रात 10 बजे तक 2400 यात्री ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। हालांकि इस दौरान जो ट्रेनें रास्ते में होंगी उन्हें नहीं रोका जाएगा। रविवार के दिन प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की है। तो चंदन, यानी कि सारी ट्रेनें, जो भी ट्रेनें चल रही हैं, वो सब बंद हो जाएंगी या कुछ चलेंगी? नहीं बिल्कुल किशोर, 2400 पैसेंजर ट्रेनें, इसके अलावा 1300 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं वो नहीं चलेंगी। जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो 12 की रात शनिवार से लेकर के रविवार 10 बजे रात तक नहीं चलेंगी, और जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जिसमें राजधानी टाइप की भी ट्रेनें शामिल हैं वो ट्रेनें सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक रविवार को नहीं चलेंगी। यानी कि आप मान सकते हैं कि करीब करीब 50 लाख पैसेंजर रविवार को परेशान हो सकते हैं ट्रेनों के नहीं चलने से। इसकी प्रतिक्रिया अलग होगी, लेकिन कोशिश ये है कि रेलवे में कम से कम लोग ट्रैवल करें, इसमें सबर्बन सर्विसेज को भी कम रखा जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सिकंदराबाद में जो सबर्बन ट्रेनें चलती हैं उसमें भी कम से कम ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि प्रधानमंत्री जो ने जो अपील की है कि रविवार को जनता कर्फ्यू लगे, उस कर्फ्यू के सपोर्ट में रेलवे की तरफ से। मतलब आप कह रहे हैं 2400 पैसेंजर ट्रेनें हैं और इसके अलावा मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अलग हैं? 1300 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अलग हैं। तो यानी 3700, कुल 3700, 3700 ट्रेनें जो हैं वो नहीं चलेंगी, यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी रविवार को। 3700 यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी रविवार को, 3700 यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी, 2400 पैसेंजर ट्रेनें और 1300 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें। शुक्रिया चंदन आपका।